हमारा जो मेरे फर्नीचर वगैरह में कहीं आग लगी है। एक बार ऐसे बेंगलोर में आग लगी थी एयरपोर्ट पर, तो वहाँ कारों के तोड़ मतलब एक कारों में आग लगना चालू की थी, तो कारों के शीशे तोड़ के उनके हैंडपंप रिलीज करके कारों को दूर किया गया था, नहीं तो सारी कारों में एक साथ आग लग जाती। तो उसको सोर्स ऑफ फायर जो भी उसको उससे दूर करना है। और फायर सब लोगों को ऑपरेशन तो सब लोगों को लगभग आता होगा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अलावा भी इलेक्ट्रिकल वाले भी टी आर डी वाले से भी जमीन भी हुआ फ्यूल तो ही सही है ना, पड़ोसी जो क्लाइमेट में ही सही, मैं हीट डेवलप करता हूँ आग लग जाएगी। अगर फर्स्ट एड एक्सपीरियंस ना किया हो तो आज कर सकते हैं। अब अगर कोई चाहे उसको चलाना हो तो चला सकते हैं। अच्छा दूसरी बात है कि व्यक्ति में जितनी जल्दी हो सके उसको बुझाओ, ज़्यादा देर हुई तो बड़ी आग में कन्वर्ट हो जाती है, जब बड़ी आग में कन्वर्ट हुई तो अपने छोटे इक्विपमेंट से उसको बुझा पाना संभव नहीं है। तो इसलिए पता है जिसको आप लोग उठा रहे अरे बताएंगे ना बताएंगे। अरे सुनो अभी अपने ये उठाया अपने एआईटी में रखा था, इसमें क्या पाउडर से घुसती है, पाउडर को आप ऐसे लेके सीधे जाओगे तो कुछ इसमें जमा रहेगा, तो एक बार इसको अपसाइड डाउन ऐसे करके हिला के इसको पाउडर को लूज रख दिया। हवा के विरुद्ध दिशा में हवा जारी है, दिशा रख के हवा किस तरह भी है देखो हवा जिस बोलना भी मुंह ऊपर नहीं। और इसको खोलते समय ना गर्दन इसके ऊपर मत रखना। देखो कभी भी जब फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करो ना तो जो हाथ के पास अपन आएगा फिर उसकी दूरी से इसके बाद ये सील है ना क्लिप निकालो, सील तोड़ी अपन तो मुँह इसके ऊपर नहीं रखना है तो सील तोड़ने के बाद ये बाहर कर लिया अपन, अभी तक अपन सुरक्षित जोन में है ना। जैसे ही अपन अब जब इसको यूज़ करेंगे ना तो हमने रेडी है पीछे ये निकाल लिया, अब इसके सामने अपना ऐसे नहीं यूँ मुँह रखते यूँ मार रहा ऐसे नहीं, सुरक्षित दूरी में रखते लिक्विड वाला।